82 किलोमीटर लंबा रूट, रास्ते में 15 स्टेशन, फिर भी दिल्ली से मेरठ दनदनाते हुए सिर्फ 60 मिनट में, क्योंकि रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हाई स्पीड ट्रेन के बेहद ही नजदीक। कुछ ऐसा ही होगा दिल्ली और वेस्ट यूपी के बीच 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद हरियाणा और वेस्ट यूपी के लाखों लोगों को एनसीआर में लगने वाले जाम से तो निजात मिलेगी ही, उनका वक्त भी बचेगा और आर्थिक नुकसान भी। साथ ही साथ दिल्ली के पर्यावरण के लिहाज से भी ये बेहतर होगा। इस स्पेशल रैपिड मेट्रो के 15 स्टेशनों में सराय कालेखा और आनंद विहार दिल्ली के 2 स्टेशन होंगे, जबकि 13 स्टेशन वेस्ट यूपी में होंगे। इनमें प्रमुख रूप से गाजियाबाद और मेरठ होंगे। प्रत्येक स्टेशन के बीच 10 किलोमीटर का फासला होगा। इस रैपिड मेट्रो में तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इसमें एक बिजनेस कोच लगाया जाएगा, जबकि महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी अलग अलग कोच होंगे। इस रैपिड रेल के संचालन में यूरोपियन ट्रेन सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल होगा, ताकि किसी तरह की चूक की कोई भी गुंजाइश ना रहे। दिल्ली से मेरठ तक के सफर के लिए यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ 165 रुपए ही चुकाने होंगे। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 17 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। रैपिड रेल संचालन के लिए पिलर्स की ऊंचाई को 12 मीटर रखा गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने प्रथम चरण के काम को 2 भागों में बांटा है। इससे काम में तेजी आई है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को उम्मीद है कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के काम को मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।